नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवीज बाजार में। और दोस्तों, कुछ मूवीज आती हैं और कुछ मूवीज चले जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये मूवीज रिलीज भी हो चुकी हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2019 में आई पेनल्टी मूवी के बारे में, जो कि दोस्तों एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है जिसे अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, क्या खास है इस मूवी में और आपको ये देखना चाहिए या नहीं, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। वही दोस्तों, मूवी की स्टोरी की बात कर लें तो दोस्तों, मूवी की स्टोरी फॉलो करती है एक लड़के के सपने को, जिसका सपना है कि वो एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉल स्टार बनेगा। अब दोस्तों, वो लड़का मणिपुर से चलकर लखनऊ आता है अपने सपने को पूरा करने के लिए। अब दोस्तों, उसके जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं और उसे क्या कुछ सहना पड़ता है और फिर वो अपने कैसे सपने को पूरा करता है, इसके लिए तो दोस्तों आपको देखनी होगी ये मूवी, जो कि दोस्तों अब नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। वही दोस्तों, मूवी की बात कर लें तो दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार है। आज तक कई सारी स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी बनी हुई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी बिल्कुल हटके है। दोस्तों, ये मूवी हमें दिखाती है कि स्पोर्ट्स में काफी चीजों की वजह से एक प्लेयर को कितना कुछ सहना पड़ता है, ये दोस्तों मूवी दिखाती है। वही दोस्तों, इस मूवी में केके मेनन भी नजर आ रहे हैं और दोस्तों उनकी एक्टिंग बहुत ही शानदार है इस मूवी में। इसके अलावा लीड में नजर आ रहे हैं लुकराम इस्माइल, जिन्होंने उस लड़के का रोल निभाया है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस मूवी में दिख रहे हैं शशांक अरोरा और साथ में नजर आ रहे हैं मनजोत सिंह। वही दोस्तों, मनजोत सिंह की एक्टिंग की बात करूं, मनजोत सिंह ने एक फ्रेंड होने का रोल बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। वही दोस्तों, शशांक अरोड़ा भी इसमें काफी अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों, ऐसी इश्यूज वाली मूवीज हमेशा बनना चाहिए ताकि हमें रियलिटी का पता चल सके कि आखिर रियलिटी में क्या कुछ होता है स्पोर्ट्स में। अगर कोई चाहे तो स्पोर्ट्स खिलाड़ी का करियर बना भी सकता है और कोई चाहे तो स्पोर्ट्स खिलाड़ी का करियर बर्बाद भी कर सकता है। हमारे सिस्टम में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए इन खिलाड़ियों का करियर बर्बाद करते रहते हैं। वही दोस्तों, मूवी में क्या अच्छा है क्या बुरा है बारे में भी दोस्तों बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी में मुझे सबसे अच्छा इसका स्क्रीन प्ले लगा। जी हाँ दोस्तों, इसका स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है, ये आपको बोर नहीं होने देगा। वही दोस्तों, इसके डायलॉग्स भी काफी अच्छे हैं और मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इस मूवी के डायलॉग्स इतने अच्छे हो सकते हैं। वही दोस्तों, केके मेनन की एक्टिंग भी इसमें जबरदस्त रही है। वही दोस्तों, इसके बीजीएम और म्यूजिक की बात कर लें तो दोस्तों वो भी अच्छे लग रहे हैं। वही दोस्तों, इस मूवी में मुझे क्या बुरा लगा, तो दोस्तों इस मूवी में मुझे लुकराम इस्माइल की एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं लगी। उनके एक्सप्रेशंस हमें साफ साफ बता रहे होते हैं कि वो इस रोल में फिट नजर नहीं आ रहे हैं। वही दोस्तों, इसमें डायरेक्शन भी उतना उम्दा नहीं है जितना हो सकता था। कैरेक्टर इम्प्रोवाइजेशन को लेकर इसमें काफी काम किया जा सकता था। ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो मूवी एक अच्छी मूवी है, आप इसे एक बार जरूर देख सकते हैं। और दोस्तों, रेटिंग की बात करें तो दोस्तों मैं इसे 5 में से 3.5 स्टार दूंगा। दोस्तों, अगर दोस्तों आपने ये मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।